हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वीकेंड्स वगैरह के बाद आज फिर से एक वर्किंग डे आया है और सब जगह सुहाना मौसम है, बारिश चालू है और इसकी वजह से कटआउट्स भी रेगुलरली हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगा, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि डिमांड के जो फैक्टर्स है, प्राइसिंग में डिमांड का एक फैक्टर आता है, फिर क्लाइमेट वर्सेस प्लेसेस में डिमांड का एक फैक्टर आता है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग अब डिमांड के कर्व के बारे में पढ़ेंगे। अब ये डिमांड का कर्व क्या है? फ्रेंड्स, डिमांड प्राइस के रिलेटिव है, प्रोपोर्शनल वगैरह होती है, ये हमने सीखा। लेकिन और प्राइस तो है, लेकिन प्राइस में ही ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्पेशल ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो यही ग्राफ, ये क्या है, उसकी यूटिलिटीज वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी टाइप्स हैं, उसके अलग अलग उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया है, तो हम लोग ये सब समझेंगे। एक्चुअली उन्होंने सोचा एक्सप्लेन करने में आसानी होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, लेकिन वो और हार्ड बन गया है। लेकिन इतना भी कुछ टर्फ नहीं है, कोई अगर एक दो बार पढ़ेगा तो आराम से उसे समझ में आ जाएगा। वैसे हमारी हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, अप्लाइड हिस्ट्री की भी, जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देख सकता है वीडियो के सेक्शन में। इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इट इज नोन एज इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंबॉलिकली ED इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी डिमांड और प्राइस में एक इनफाइनाइट चेंज हो जाता है, इनफाइनाइट से यहाँ पर मेरा मतलब देखिए नीचे ग्राफ के अंदर बिल्कुल पैरेलल है, एक डॉट ना ऊपर है, एक डॉट ना नीचे है, डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस दोनों की पूरा परपेंडिकुलर राइट एंगल बन जाता है। ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो स्टॉक में चेंज हो सकता है, स्टॉक में चेंज होने की वजह से डिमांड आप क्वालिटी में चेंज हो सकता है, फाइनल प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल के स्टॉक की वजह से। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली एक पॉसिबिलिटी है, जो मतलब पॉसिबल तो कभी लिटरली हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने दी है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, डिमांड रिमेंस द सेम, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, एज शोन इन द फिगर, ओपी डिमांड इज ओडी, whereas price is OP1 low higher, OP2 lower, the demand is OD only। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी प्राइस चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि डिमांड चेंज हो, है ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि किसी कॉमोडिटी की प्राइस अगर ज़्यादा हुई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर वो नीडफुल कॉमोडिटी है तो। तो यहाँ पे मतलब देखिए, ऊपर ग्राफ के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से एलोबरेट करके बताया है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि फिगर में ओपी जो है, ओपी और वो ही ओडी है, ओडी में आप देख रहे होंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मतलब ये बताता है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो सेम रहेगी। और नेक्स्ट उन्होंने दिया है ओपी टू, OP1 और उसके बाद OP2 क्या हम देखते हैं, तो यहाँ पे OP2 जो है तो उसमें भी डिमांड को ओडी लिया है, तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब प्राइस कम ज़्यादा हो रही है लेकिन डिमांड में कोई भी फर्क नहीं बन रहा है। ओके ना, राइट एंगल ट्राइंगल तो ओडी अभी भी बन रहा है ना। अगर मैं आपको एकदम परफेक्टली बताऊँ तो मतलब जब प्राइस चेंज होती है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, तब उस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, सॉरी उसके बाद अगला नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. इट मीन्स डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल. व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम. सिंबॉलिकली इट इज इक्वल्स टू जीरो. In practical, in practice, such situation occur occasionally, such as demand of salt. Price चाहे कितने भी कम ज्यादा हो, demand तो same ही रहेगी, जब तक demand की side से कोई कम ज्यादा कुछ चीज ना हो, जैसे कि population वगैरह हो गया, है ना? Perfectly inelastic, sorry, अब देखिए यहाँ पे next बताया है उन्होंने, unitary elastic demand. When a change in price leads to proportionate change in quantity demand, then demand is unitary elastic. For example, if price falls by 50% and the demand rise by 50%, अब देखिए friends, जब भी perfectly proportionate होता है, proportionate मतलब upside down होता है demand price graph, और demand भी उसके साथ upside down होता है, तो ये situation बनती है जिसे बोलते हैं unitary elastic demand. अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस 50% कम हुई और उसकी डिमांड 50% बढ़ी, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ग्राफ के द्वारा हम पढ़ते हैं, उन्होंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है. इन फिगर द चेंज इन प्राइस PP1 एंड चेंज इन डिमांड QQ1 इज बोथ चेंज इन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. So the demand curve DD1 shows unitary elastic. तो देखिए PP1 देखिए, उसके बाद PP1 के बाद आप देखिए QQ1. तो यहां पे पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ED आ रहा है जीरो. ED क्या? डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड, वो आ रहा है जीरो. ओके, PP1 के आगे देखिए आप, ये परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन है, और QQ1 जो है वो उसे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये पूरा प्रोपोर्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से ED आता है जीरो. ओके, अगर आपको कोई भी कुछ भी नहीं समझ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसे आंसर करने की पूरी ट्राई करूंगा. ट्राई तो क्या, आपका आंसर दूंगा. तो अगर आपको कुछ भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जो हो जा रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस एंड ट्विटर अकाउंट लिंक्ड है, आप वहां से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं. यूनिटरी इलास्टिसिटी का डिमांड जो है, सॉरी ग्राफ जो है वो नीचे भी दिया गया है, हम ऊपर से भी उसे रिलेट कर सकते हैं. ऐसे तो यहाँ पे उन्होंने कर्वेचर भी बना के दिया है हम लोगों को, ज़्यादा अच्छे से एलोब्रेशन हो सके. व्हेन द डिमांड कर्व स्लोप स्टेडिली टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस और इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डिमांड इज यूनिटरी क्लासिक इलास्टिक. जब एक्स एक्सिस की तरफ डिमांड जल्दी से स्लोप कर रहा है, तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं. देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता हो कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, डिमांड ये ग्राफ वगैरह, लेकिन अगर आप लोग मास्टर सॉरी बैचलर इन इकोनॉमिक्स लोगे तो आप लोगों को ये सब बहुत काम आएगा. और आप मानो या ना मानो, हर एक इकोनॉमिक्स को ये ग्राफ का झमेला उठाना पड़ता ही. अगर आप में इसको इकोनॉमिक्स बनने की सोच रहा है तो आपको ये सब अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. ये एकदम फंडामेंटल बेसिस हैं, ये सब बेसिक ग्राफ से ही आप मतलब लॉजिकल और प्रैक्टिकल ग्राफ्स निकाल सकते हो. ओके, तो आप चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं. रिस्पेक्टिवली इलास्टिक डिमांड. व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, the demand is said to be relatively elastic. For example, if price falls by 50%, the demand rises
by 75%. In the figure, change in demand QQ1 is greater than the change in price PP1. Hence, the demand curve DD1 shows elastic demand, symbolically ED is more than 1. जब unitary था, मतलब जब proportional था, तब 0 आया था ED, और अब demand जो है, वो ज़्यादा है, 75%, 50% price गिरे और demand हो गई 75%, तो ED जो है, वो more than 1 आ गया. PP1 वगैरह को देखिए, जब demand slowly x-axis की तरफ जाता है, तो curve जो है, वो flatter करता है, okay? Relatively inelastic demand. When a change in price leads to less than proportionate change in quality quantity demanded, the demand is relatively inelastic. For example, if price falls by 50%, the demand rise by 25%. That is less than percentage change in price. In the above figure, change in price is from OP to OP1 is greater than change in demand from OQ to OQ1. यहाँ पे जो है y एक्सिस से एकदम हाई स्लोप के अंदर ग्राफ कर्वेचर आ रहा है और x एक्सिस की तरफ वो थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, फ्लैटर कर रहा है, तो यहाँ पे वो ED इज लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस का परसेंटेज बढ़ा उतनी डिमांड नहीं बढ़ी. अगर डिमांड सेम होती तो ED 0 होता, अगर डिमांड ज्यादा होती तो ED मोर देन 1 होता, लेकिन यहाँ पे कम है तो ED आएगा लेस देन 1. ओके, therefore ED is demand curve which represents inelastic demand, symbolically ED less than 1. The slope of demand curve is steeper. यहाँ पे एकदम steep बन जा रहा है slope, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो. तो friends, आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो मुझे comment करें, अगर आपको comment नहीं करना है तो email करें, या फिर Twitter account मेरा linked है about section में, वहाँ पे जाके आप मुझे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर मैसेज दे सकते हैं. मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगा. आपको कुछ भी कंसल्ट हो, हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ भी चल रही है, वहाँ पे हम लोग अभी मास मीडिया का वाला चैप्टर कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी का स्टडी करेंगे, और फिर मैं पोल रखूँगा, जो मतलब आपको सब्जेक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप वोट कीजिएगा और हम लोग वो लेंगे. Friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe. I really appreciate your time.